मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। राज्य में मैतेई बहुल कांगपोकी जिले में मंगलवार रात हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई। इस हमले में 10 लोग घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे खामेलोक गांव में हमला किया गया। हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामेलोक गांव के हैं। इस घटना के अलावा बिष्णुपुर जिले में भी हिंसा हुई है। यहाँ फौगाक चाओ इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मैतेई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज साउथ 24 परगना जिले के कैनिन में नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमले किए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर बांकुड़ा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बैग बरामद किया। इसमें 1 दर्जन बम भरे हुए थे। पुलिस ने कार जब्त कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज सुबह ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी कल सुबह 7 बजे बालाजी के घर पहुंची थी। यहां उनसे 24 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की कार्रवाई और पूछताछ के दौरान सेंथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां वो दर्द से रोते दिखाई दिए। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट में एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल शिंदे गुट की शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। इस विज्ञापन के बाद बीजेपी की नाराजगी की बात सामने आई है। बढ़ते विवाद को देखते हुए आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया। इसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार को जनता की पहली पसंद बताया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आज अपने जन्मदिन पर औरंगजेब और लाउडस्पीकर की तकरीर वाला केक काटा। उन्होंने केक पर औरंगजेब की गर्दन वाली जगह पर चाकू चलाया और लाउडस्पीकर को क्रॉस कर दिया। राज के 55वें जन्मदिन पर उनके समर्थक ये केक लेकर उनके घर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर कुछ दिन से हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद एमएनएस के समर्थकों ने भी मुंबई में औरंगजेब का पुतला फूंका था। राज ठाकरे औरंगजेब के खिलाफ बोलते आए हैं। वे मस्जिद से लाउडस्पीकर में अजान के खिलाफ भी आंदोलन कर चुके हैं। लंदन में हैदराबाद की एक छात्रा की उसके फ्लैटमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 27 साल की कोंथम तेजस्विनी रेड्डी लंदन के विम्बली में अपने दोस्तों के साथ रहती थी। 6 दिन पहले ब्राजील का एक शख्स उनके फ्लैट में रहने के लिए आया। आरोप है कि उसी शख्स ने कल सुबह तेजस्विनी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्विनी पिछले साल मार्च में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई थी। पुलिस ने बताया कि तेजस्विनी की मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने की वजह अभी साफ नहीं है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार 16 जून को किया जाएगा। 16 जून की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जनता दल यूनाइटेड कोटे से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर राज्यपाल सचिवालय बिहार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कल ही इस्तीफा दे दिया था। उधर आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और विधि मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा हो चुका है। मतलब घोषित 2 कुर्सियां खाली हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी के पुरोला में यह महापंचायत बुलाई थी। कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील शाहरुख आलम ने मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। केंद्र के अध्यादेश पर लेफ्ट का समर्थन लेने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई और डी राजा का समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता को समर्थन दिया है। डी राजा ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर ईडी की कार्रवाई पर कहा कि केंद्र अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को निशाना बना रही है।